केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के असम दौरे का आज दूसरा दिन, अमित शाह ने राज्यपाल जगदीश मुखी से की मुलाकात। दो दिवसीय प्रयागराज दौरे पर पहुंची केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर किया बड़ा हमला, शिवराज ने कमलनाथ पर किया हमला, कहा कमलनाथ ने अब तक नहीं की कर्ज माफी। जनमंच में मंत्री के सामने जमकर हंगामा, हाईवे की हालत पर उलझे रामलाल और रणधीर शर्मा, फंड की गड़बड़ी को लेकर एक दूसरे पर लगाए आरोप। असम के गुवाहाटी में चारपाई को प्लास्टिक से ढककर बनाया स्ट्रेचर, 5 किलोमीटर चलकर पहुंचे स्वास्थ्य केंद्र, महिला ने रास्ते में दिया बच्चे को जन्म। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बुलेटिन की, इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा में COP14 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संबोधित करेंगे। आज सुबह 11:15 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी COP14 को संबोधित करेंगे। 196 देशों के प्रतिनिधियों को वो वहां पर आज संबोधित करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज इस मौके पर वहां पर मौजूद रहेंगे। दुनिया को बढ़ते मरुस्थलीकरण से बचाने की ये मुहिम चलाई गई है, जो 2 सितंबर से ये COP14 की शुरुआत की गई थी, जिसको आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने जा रहे हैं। 11:15 पर ग्रेटर नोएडा के एक्सपो पोर्ट में चल रहे 12 दिवसीय COP14 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संबोधित करने जा रहे हैं। 2 सितंबर को COP14 सम्मेलन की शुरुआत हुई थी, जिसका उद्घाटन पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया था। उसके साथ ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रेटर नोएडा पहुंचेंगे, जहां पर वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 14वें दिन को संबोधित करने जा रहे हैं। आपको बता दें, COP14 को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। ग्रेटर नोएडा में COP14 को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। संजय श्रीवास्तव, आज COP14 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने जा रहे हैं, और इसी के साथ इतने बड़े स्तर पर भारत में पहली बार ये कार्यक्रम हो रहा है, किस तरह से खास माना जाए? अब बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि एक बड़े पैमाने पर ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है ग्रेटर नोएडा में, और प्रधानमंत्री उसको संबोधित करेंगे। निश्चित तौर पर एक बात यहाँ गौर करने वाली बात है कि पिछले कुछ सालों में जो मरुस्थलीकरण या कह लें कि जो गर्मी पड़ रही है, पानी का जलस्तर नीचे होता चला जा रहा है, पानी की बहुत समस्या सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया के तमाम देशों में पानी की बहुत समस्या होने वाली है। जो गल्फ कंट्रीज हैं वहाँ तो ऑलरेडी है, लेकिन और भी देशों में जहाँ पानी की समस्या नहीं थी, वहाँ अब पानी की समस्या धीरे धीरे बढ़ने लगी है। तो निश्चित तौर पर इस दिशा में ठोस पहल करने के लिए ये तमाम देशों का एक संगठन बनाया गया, जिसके तहत ये बात रखी जा रही है कि पानी को कैसे बचाया जाए, जल स्तर को कैसे बढ़ाया जाए, जो वाटर रिसोर्सेस हैं उनको कैसे बचाया जाए, वाटर हार्वेस्टिंग कैसे की जाए, बारिश में जो पानी उसे कैसे पीने लायक और कामों के लिए बचाया जाए। तो निश्चित तौर पर इन सब बड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री अब जब दुनिया के सभी देशों के नुमाइंदों को वहां पर संबोधित करेंगे, तो देखने वाली बात ये होगी किस तरीके का वो मैसेज देते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री को माना जाता है कि नरेंद्र मोदी बहुत ही इंटरेक्ट जब करते हैं तो वो आकर्षक होता है लोगों के लिए, सुनना भी, और उन्हें जो सुनने की उनकी बातें होती हैं वो बड़ी लाभकारी होती है। तो निश्चित तौर पर बड़ा दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री किस तरीके से दुनिया के देशों को इस नजरिए से अपने संबोधन में बात को रखते हैं। बिल्कुल संजय श्रीवास्तव, एक और चीज आपसे जानने की कोशिश करूंगे, क्या लगता है कि जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे संबोधित करने जा रहे हैं, उस दौरान क्या कोई बड़ा ऐलान भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से कर सकते हैं? निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ इस दिशा में जो भारत की तरफ से
पहल हो रही होगी या भारत की तरफ से जो कदम उठाए जाने हैं उसकी बात भी करेंगे, और साथ ही दुनिया के देशों से निश्चित तौर पर भारत की तरफ से ये भी पक्ष रखा जाएगा कि किस तरीके से वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा दिया जाए, किस तरीके से पानी की जो बचत है उसको किया जाए, और जो मरुस्थलीकरण हो रहा है उसको रोकने की दिशा में किस तरीके से, चाहे वो पेड़ों की लगाने की बात हो, वनों को बढ़ाने की बात हो और पानी की जो बचत करने की बात हो, तो इन दो चीजों पर फोकस रख के प्रधानमंत्री दुनिया के देशों से भी कुछ ना कुछ अपील कर सकते हैं या उन्हें अपनी तरफ से, देश की तरफ से कोई बड़ा मैसेज दे सकते हैं। बिल्कुल, तो साफ तौर पर जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं का सामना करने के लिए आज रोडमैप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सामने आ सकता है। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई ना कोई रोडमैप पहले ही भारत ने बना लिया होगा, जब पर्यावरण मंत्री ने इसका उद्घाटन किया था तो निश्चित तौर पर उन सब चीजों पर वर्कआउट हुआ होगा, और अब जब प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर देश की तरफ से एक जो तस्वीर बनाई गई है उसको वहां पे रखेंगे, और लोगों से अपील भी की जाएगी कि इस दिशा में अगर भारत ने पहल की है तो और देशों से अपेक्षाएं भी होंगी कि वो भी इसमें सहयोग करें, इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए सभी से अपेक्षाएं होंगी कि दिशा में आगे बढ़ें और धरती को मरुस्थलीकरण से बचाने में मदद करें। शुक्रिया संजय श्रीवास्तव ज्यादा जानकारी के लिए। तो आज COP14 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे, इस दौरान क्या कुछ बड़ा ऐलान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा उस पर भी सभी की नजर टिकी होंगी, और इसी के साथ जलवायु परिवर्तन को लेकर किस तरीके से रोडमैप तैयार किया गया है बीजेपी सरकार की तरफ से उस पर भी सबकी नजर रहेगी। अब रुक करते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर का। दो दिवसीय प्रयागराज दौरे पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी पहुंच चुके हैं विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए। केंद्रीय मुख्तार अब्बास नकवी आज वहां पर पहुंचे हुए हैं, करीब 1 बजे सर्किट हाउस में मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर आज केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कल वो अपने पैतृक गांव भदारी जाएंगे। तो इसके साथ ही आपको इस वक्त की बड़ी खबर से रूबरू करा रहे हैं, आज केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी प्रयागराज पहुंच चुके हैं, 1 बजे सर्किट हाउस में मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। मोदी सरकार 2 के 100 दिन पूरे होने पर इस अवधि में सरकार की तरफ से क्या कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं, उन तक जनता तक उन फैसलों को पहुंचाने के लिए 17 मंत्रियों को इसका जिम्मा सौंपा गया है। इसी के मद्देनजर आज केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी प्रयागराज पहुंचे हैं, और आपको साथ ही बता दूं 9 और 10 सितंबर को ये 2 तारीख तय की गई हैं जिन पर मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री देश के कई हिस्सों में जाएंगे और वहाँ पर लोगों तक अपनी उपलब्धियाँ वो पहुँचाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुराग पटेल जुड़ चुके हैं। अनुराग पटेल, प्रयागराज पहुंच चुके हैं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, किस तरह से आप इस दौरे को देखते हैं? जी आकांक्षा जी, सबसे पहले बता दूं माननीय केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री का जनपद प्रयागराज में भ्रमण कार्यक्रम है, और जनपद प्रयागराज में आज सोमवार और कल मंगलवार तक रुकने का प्रोटोकॉल सुनिश्चित किया गया है। इस दौरान अपने गांव भदारी गांव प्रतापपुर जनपद प्रयागराज भी पहुंचेंगे, और खास बात यह है कि मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर प्रयागराज में प्रेस वार्ता करेंगे। और प्रोटोकॉल के माध्यम से जानकारी दे दूं कि दिल्ली से विमान द्वारा बमरौली एयरपोर्ट प्रयागराज पहुंचेंगे, इसके बाद द्वारा सर्किट हाउस पहुंचेंगे। जी 1 बजे सर्किट हाउस प्रयागराज में मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर पत्रकार वार्ता करेंगे, और कल 10 तारीख यानी मंगलवार को कार द्वारा पूर्वान 11 बजे अपने गांव भदारी सराय ममरेज प्रतापपुर प्रयागराज पहुंचेंगे, और वहां मुस्लिम भाइयों के मुहर्रम त्योहार ताजिया उठाने व ताजिया निकालने में शामिल होंगे। पिछले बीते प्रत्येक वर्ष के बाद इस बार भी माननीय मंत्री जी गांव वालों के साथ त्योहार मनाएंगे। वहां अपराह्न 4 बजे तक रहेंगे, इसके बाद बमरौली एयरपोर्ट से विमान द्वारा दिल्ली के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके साथ ही अपनी उपलब्धियों को वो गिनवाएंगे, तो अनुराग पटेल आपसे जानने की कोशिश करूंगी क्या लगता है उपलब्धियों के अलावा क्या कुछ वो संदेश जनता को आज वहां पर दे सकते हैं? जी बिल्कुल, दरअसल अगर बात करें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बातें सामने निकल कर आएंगी, जैसा की धारा जो जम्मू कश्मीर से हटाया गया उस विषय भी चर्चा करेंगे, तमाम योजनाओं के जो महत्वपूर्ण योजनाएं भारत सरकार की रही है उस पर भी विषय पर चर्चा करेंगे, और वो कॉन्फ्रेंस के जरिए संदेश देंगे।
तो वो अभी अंततः पूरा मामला सामने होगा 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बिल्कुल, एक और चीज आपसे जानने की कोशिश करूंगी, कल वो अपने पैतृक गांव भदारी जाएंगे, उसके लिए क्या कुछ तैयारियां वहां पर की गई है, क्या जानकारी आपको इस बारे में मिल रही है? जी दरअसल भदारी गांव में जो ताजिया उठाने व ताजिया निकालने का वहां का जो पिछले कई वर्षों से ये सब परंपरा चली आ रही है, तो वो वहां पे प्रशासन की ठीक व्यवस्था कर ली गई है। स्थानीय जो लोग हैं वो ताजिया को बना रहे हैं, लेकिन हालांकि अब ताजिया बन चुकी है, अब जैसे ही ये मंत्री जी वहां कल पहुंचेंगे तो उठाने के लिए और ताजिया में शामिल होंगे, तो ये लोगों में एक उत्साह भी है कि मंत्री जी आ रहे हैं, प्रत्येक वर्ष आते हैं, इस लोगों को बेसब्री से इंतजार भी है। बिल्कुल, और चीज आपसे जानने की कोशिश करूंगी, इन दो चीजों के अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस आज वो 1 बजे वहां पर करेंगे और उसके अलावा कल भदारी गांव जाओगे, इससे अलग क्या कुछ चीजें हैं, क्या कुछ कार्यक्रम है उनके? इसके अलावा भी 1-2 जगह प्रयागराज भ्रमण के लिए वो उनका है 2-4, क्योंकि जो प्रोटोकॉल है प्रोटोकॉल के माध्यम से इलाहाबाद में 2 या 3 जगह इनका प्रोटोकॉल है जाने का, और वो भ्रमण यात्रा पे ही रहेंगे, अब अचानक कहीं भी जा सकते हैं, वो तो मंत्री जी का ऐसा दौरा है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। 2 दिवसीय प्रयागराज दौरे पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी पहुंच चुके हैं, 1 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पर करेंगे और उसी के साथ कल वो अपने पैतृक गांव भदारी भी जाएंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर का। सरकार भले ही गर्भवती महिलाओं को फ्री स्वास्थ्य सेवाएं देने का दावा कर रही हो, लेकिन असम में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं। कल एक गर्भवती महिला को अस्पताल जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली, जिसके बाद घरवाले उसे चारपाई पर लादकर 5 किलोमीटर दूर स्वास्थ्य केंद्र जाने लगे। इस दौरान रास्ते में ही दर्द से तड़पती महिला ने चारपाई पर ही एक बच्चे को जन्म दे दिया। ये पूरा मामला असम के चिरांग स्थित उदलगुरी गांव का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि कल एक महिला प्रसव के दर्द से तड़प रही थी, उसे अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली। आखिरकार घर के लोगों ने चारपाई को एक प्लास्टिक शीट से ढककर स्वास्थ्य केंद्र तक वो लेकर गए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में दिख रहा है कि जब घरवाले महिला को लेकर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे तो वहां एक कोने में एम्बुलेंस खड़ी हुई थी। एक बड़ी लापरवाही अस्पताल प्रशासन की तरफ से यहां पर सामने आई है। एक एम्बुलेंस ही मरीज को नहीं दी गई है, जिसके बाद वो चारपाई पर लादकर उस लेडी को वहां पर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसी बीच रास्ते में ही उस महिला ने एक बच्चे को जन्म दे दिया। एक बड़ी लापरवाही, लगातार दावे ला किए जाते हैं, हर स्वास्थ्य सुविधाएं मरीजों को देने की बात कही जाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या कुछ हाल है हम तस्वीरों में साफ देख रहे हैं। रास्ते में ही इस महिला ने अपने बच्चे को जन्म दे दिया। इसके साथ ही सवाल ये भी उठता है कि अगर इस महिला को इस दौरान कुछ हो जाता है तो आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन होता? आपको बता दें 5 किलोमीटर चलकर ये लोग स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और उसके साथ ही महिला ने इस दौरान रास्ते में ही एक बच्चे को जन्म दे दिया। एक बड़ी लापरवाही यहां पर अस्पताल प्रशासन के सामने आई है। एम्बुलेंस ही नहीं महिला को मिली है, और जिसके बाद जब वो वहां पर अस्पताल में पहुंचे तो एम्बुलेंस वहीं पर खड़ी हुई साफ तौर पर उनकी तरफ से देखी गई, लेकिन ये एम्बुलेंस मरीज को मुहैया नहीं कराई गई है, जिसके बाद बच्ची को रास्ते में ही उस महिला ने जन्म दे दिया। दर्द से तड़पती रही महिला और चारपाई पर परिजन उसको लेकर गए, लेकिन अस्पताल की तरफ से एम्बुलेंस नहीं मिली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज असम दौरे का दूसरा दिन है। आज अपने दौरे की शुरुआत अमित शाह ने असम के राज्यपाल जगदीश मुखी से मिलकर की। दोनों की मुलाकात राजभवन में हुई। इस दौरान राज्यपाल ने शाह का खूब स्वागत किया। आपको बता दें कि एनआरसी की लिस्ट जारी होने के बाद शाह का ये पहला दौरा है, इसलिए इसे काफी अहम माना जा रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री कमलनाथ पर बड़ा हमला किया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 8 महीने के बाद भी कमलनाथ सरकार ने किसानों से किए वादों को पूरा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार ने अब तक
किसानों की कर्ज माफी नहीं की, जिससे किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने 23 तारीख को नसरुल्लागंज में आने की अपील भी की। शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि कमलनाथ जी, सभी वादे पूरे करो, जनता को योजनाओं के पूरे लाभ दो, नहीं तो मैं किसी मंत्री को अपने क्षेत्र में घुसने नहीं दूंगा। किसान के 500 बोनस और वो आवेदन ले लेके 23 तारीख को नसरुल्लागंज आए, सब कर्जा माफ करो और नहीं तो ऐलान कर दूंगा कोई मंत्री मेरे क्षेत्र में नहीं घुसेगा, जगह जगह काले झंडे दिखाएंगे। ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? 160 रुपया गेहूं के दे दो रे, मैं तो 2100 में मैं खरीदता। सोयाबीन पर किसान के 500 बोनस, मूंग तो भूले गया खरीदना, वो नहीं भूल जाएंगे लोग, ये हालत कर दी। मूंग के पैसा दो, बोनस की राशि दो। देखो भैया मेरा माइक खराब मत करो, पकड़ लेना, वो डोरी पकड़ कर रखो, ऐसे पकड़। और ये किसानों की इन मांगों को लेकर बाकायदा लिखना है आवेदन, गांव गांव जाके बैठ के करना है, इकट्ठे करना और लिखवा और कर देके चलो तुम सब। और दूसरी बात है, गरीबों की जितनी एक बेटा बेटियों की फीस भरवाए, क्योंकि संबल में मैंने व्यवस्था की थी कोई गरीब निम्न मध्यम वर्ग की फीस नहीं लगेगी, मामा भरवाएगा। ये बच्चों की फीस नहीं भरा रही है, बच्चों की फीस भरवाओ, बच्चों को लैपटॉप दो, 25,000 रुपया देता था मैं, बच्चों को स्मार्टफोन दो, बच्चों के स्कॉलरशिप बंद कर दी, स्कॉलरशिप दो। इस अन्याय के खिलाफ भी तो बच्चों को भी लेके आना है, भांजे भांजी चलो लड़ने। और उसके बाद जितनी शादियां हुई है बेटी और दामादों को भी लाना, 51,000 नहीं दिए उनको दिलवाना, खाते में दिलवाना पड़ेगा, और डलवाऊंगा नहीं तो चैन से सोने नहीं दूंगा कमलनाथ को, तो किसी भी कीमत पे 51,000 डाल दी। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के दयोथ में आयोजित जनमंच कार्यक्रम में जमकर हंगामा हुआ। यह हंगामा उस समय हुआ जब हाईवे का मुद्दा जनमंच में चल रहा था। उसी समय श्री नैना देवी के विधायक रामलाल ठाकुर ने मुद्दा उठाया कि नेशनल हाईवे की हालत खराब है, जबकि अन्य सड़कें भी सफर करने लायक नहीं रह गई हैं। हालत ऐसी है कि सेब और सब्जी की गाड़ियां समय पर मंडियों में नहीं पहुंच पा रही है। इसी पर बीजेपी के पूर्व विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि रामलाल ठाकुर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इसके बाद रामलाल ठाकुर ने पूछा कि बताएं हाईवे की हालत सुधारने के लिए कितना बजट आया। इस पर विभाग का कोई भी अधिकारी जवाब नहीं दे पाया। वहीं गुस्साए लोगों ने बीजेपी के पूर्व विधायक रणधीर शर्मा के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान मंत्री मंच पर मौजूद ही थे। रामलाल ठाकुर ने कहा कि जनमंच में शिकायतें लेकर पहुंचे लोगों को उपायुक्त बिलासपुर के पास समस्या लेकर जाने को कहा जा रहा है। पिछले दो दिनों की बारिश ने मध्य प्रदेश के हाल बेहाल कर दिए हैं। नदी नाले उफान पर हैं। भोपाल और विदिशा में बारिश के कारण कई घरों में पानी घुस गया। मंडला जिले में रिकॉर्ड 134 मिलीलीटर बारिश हुई। साहौर में पार्वती नदी उफान पर है। बारिश की वजह से जबलपुर में नर्मदा नदी पर बना बरगी बांध पानी से लबालब हो गया। इस कारण बांध के 21 गेट खोले गए। पूरे मध्य प्रदेश में अगले 3 से 4 दिनों तक बारिश की चेतावनी है। भोपाल समेत कई जिलों में आज स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। वहीं सिवनी वैनगंगा नदी में 3 लोग बह गए, इसमें से एक को बचा लिया गया है, जबकि 2 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में बारिश के कारण हाल बेहाल हो चुके हैं, और इसी के साथ आपको बता दें कि 3 लोग वहां पर पानी में बह गए हैं। हालांकि एक को सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी 2 लोगों का अभी तक कोई अता पता नहीं है। 2 दिनों से लगातार मध्य प्रदेश में बारिश हो रही है। नदी नाले वहां पर उफान पर है, और उसी के साथ विदिशा में भी बारिश के कारण लोगों को बहुत परेशानियों का वहां पर सामना करना पड़ रहा है। और जिस तरीके से
बांध का जो वहां पर बरगी बांध है उसका जलस्तर बढ़ गया और उसके बाद 21 गेट वहां पर बांध के खोले गए। मौसम विभाग की तरफ से भी अगले 3 से 4 दिनों तक बारिश की चेतावनी वहां पर जारी की गई है। उसी के साथ भोपाल समेत कई जिलों में आज स्कूल कॉलेज भी बंद रहेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश वहां पर हो रही है। उसके साथ ही कई ऐसी जगह भी हैं जहां पर प्रशासन की तरफ से वो खाली कराई गई है। सिवनी वैन गंगा नदी में 3 लोग बह गए, 2 लोग अभी भी लापता हैं। हालांकि एक युवक को सुरक्षित इस नदी से बाहर निकाला गया लेकिन उसी बीच 2 लोगों की अभी तक भी कोई खबर सामने नहीं मिल पा रही है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ सुभाष श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। सुभाष श्रीवास्तव, लगातार मध्य प्रदेश में भारी बारिश हो रही है, फिलहाल क्या स्थिति है वहां पर? जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि प्रशासन के लाख चेतावनी देने के बाद भी लगातार जो है तो लोगों की लापरवाही के कारण मौतें होना सामने आ रही हैं। इसके अलावा प्रशासन ने जो जहां जहां पे जो निचले स्तर की बस्ती हैं शहरों की, ग्रामीण क्षेत्रों की, उनको खाली करवाने के पूरे प्रयास किए हैं लेकिन लगातार जिस तरीके से मौसम विभाग चेतावनी दे रहा है कि आने वाले एक हफ्ते तक डीप डिप्रेशन के कारण जो है तो बारिश रुकने का नाम मध्य प्रदेश में नहीं ले रही है और लगातार जो है तो चाहे वो नर्मदा हो, ताप्ती हो, कैन हो, बेतवा हो, लगातार क्षिप्रा हो, सभी नदियां जो है तो अपने पूरे उफान पर हैं और जो खतरे का निशान है उससे ऊपर बह रही हैं। तो ऐसे में जो आम जनजीवन है वो लगातार ठप होता जा रहा है। हालांकि प्रशासन की जो तैयारियां हैं वो भी कहीं कहीं पर जो है तो नाकाम साबित हो रही हैं और देखने में ये आ रहा है कि लोगों के घरों में पानी घुस गया है जिससे जान माल की काफी हानि हो चुकी है। बिल्कुल, एक और चीज आपसे जानने की कोशिश करूंगी, बरगी बांध के 21 गेट खोले गए हैं, क्या कोई चेतावनी, क्या कुछ प्रशासन की तरफ से जो वहां पर आसपास लोग रह रहे हैं उनको क्या कोई निर्देश दिया गया है? जी, लगातार जो है प्रशासन सतत संपर्क में है और जो है संचार माध्यम के माध्यम से जो है तो लोगों तक सूचनाएं पहुंचाई जा रही हैं। बरगी के अलावा तवा के भी गेट खोले गए हैं, इसके अलावा जो है तो कलियासोत के भी गेट खोल दिए गए हैं। तो ऐसे में लगातार जिस तरीके से बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है और जो हर जगह का चाहे वो जितनी भी नदियां हैं मध्य प्रदेश की वो अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, तो ऐसे में प्रशासन लगातार सतर्क है और पूरी प्रशासन की पैनी नजरें हैं लेकिन फिर भी इसके बाद भी जो है तो कई तरह की जो है तो जान और माल की हानि लगातार हो रही है जिसमें प्रशासन जो है तो नाकाम होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, एक और चीज आपसे जानने की कोशिश करूंगी, राज्य के जनसंपर्क मंत्री वहां पर पहुंचे थे और उनकी तरफ से मदद का पूरा पूरा आश्वासन वहां पर जो मौजूद लोग हैं उनको दिया गया था। साथ ही कहा गया था कि यहां से शिफ्ट उन लोगों को किया जाएगा, क्या झुग्गी वासियों को वहां से शिफ्ट किया गया है अभी तक? जी, लगातार जिस तरीके से जो जनसंपर्क मंत्री हैं पीसी शर्मा वो लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं और जाकर के उन्होंने आश्वासन दिया है, कुछ लोगों को जो है तो दूसरी जगह पर विस्थापित भी किया गया है लेकिन इतनी जल्दी जो है तो सभी को कोई सुरक्षित जगह पर पहुंचाना या समुचित सुविधाएं मुहैया कराना संभव नहीं है प्रशासन की ओर से। हालांकि ये तो कहा जा रहा है कि मंत्री जी के निर्देश के बाद जो है तो सभी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा कर जो है तो उनको खाने पीने की सुविधाएं मौजूद उपलब्ध कराई गई हैं लेकिन वहां पर मौजूद लोगों का ये कहना है कि अभी तक प्रशासन के द्वारा जो भी मदद पहुंचाई गई है वो नाकाफी है। बिल्कुल, एक और चीज आपसे जानने की कोशिश करूंगी, प्रशासन की हम बात कर रहे हैं, क्या किस किस तरह की वहां पर अभी तक व्यवस्था लोगों के लिए की गई है क्योंकि बहुत ज्यादा भारी बारिश वहां पर सामने आ रही है कि बहुत बारिश वहां पर हो रही है? जी, फिलहाल जो है तो कुछ लोगों को जो रैन बसेरे हैं वहां पर शिफ्ट किया गया है, कुछ लोगों को जो है तो अस्थायी टेंट लगा करके शिफ्ट किया गया है लेकिन ये ही नाकाफी साबित हो रहा है क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन कोई इस बात की उम्मीद नहीं थी कि लगातार इतने दिन तक पानी बरसेगा और जो निचले क्षेत्र की झुग्गी बस्तियां हैं वहां पर मंत्री जी दौरा करने पहुंच जाएंगे और इस तरीके के निर्देश देने के बाद में प्रशासन कोई कठोर ठोस कदम नहीं उठा पाया है। हालांकि लेकिन लोगों का कहना यह है कि जितना प्रशासन ने किया है वो अभी अपर्याप्त है। बिल्कुल, एक और चीज आपसे जानने की कोशिश करूंगी, लगातार बारिश वहां पर हो रही है, मौसम विभाग का इसको लेकर क्या कहना है, कितने दिनों तक और वहां पर इसी तरह से भारी बारिश हो सकती है? जी, लगातार मौसम विभाग के द्वारा अभी एक हफ्ते तक की चेतावनी दी गई है कि प्रदेश में लगातार जिस तरीके से बंगाल की खाड़ी में जो जिस तरीके से प्रेशर बना हुआ है उसके कारण एक हफ्ते तक लगातार मध्य प्रदेश में बारिश का कहर जारी रह सकता है लेकिन मौसम विभाग के तमाम चेतावनी देने के बाद भी जो है तो
प्रशासन की जो तैयारियां हैं, हालांकि बहुत ज्यादा तो जान माल की हानि की यहां पर जो है तो बात सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरीके से जान माल की हानि नहीं होना चाहिए थी उसके लिए भी प्रशासन लाख दावे करता था, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की पोल खुलती हुई नजर आ रही। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश में भारी बारिश इस वक्त हो रही है, हालांकि जो ताजा अपडेट हमें मिल रहे हैं उसके मुताबिक मौसम विभाग की तरफ से कहा गया कि अगले हफ्ते तक हालात इसी तरह के मध्य प्रदेश में रह सकते हैं। इसके कारण वहां पर लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, कई जगह से लोगों का पलायन वहां से किया गया है। पाकिस्तान सेना ने रविवार को लगातार दूसरे दिन नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम उल्लंघन किया और जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में अग्रिम चौकियों और गांवों को निशाना बनाते हुए गोलियां चलाई और भारी गोलाबारी की। भारी गोलीबारी के चलते नौशेरा इलाके के कलाल और दींग गांव में कुछ घरों को नुकसान पहुंचा है। वहीं भारतीय सेना ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया, गोलाबारी से एक मकान को नुकसान पहुंचा है। सूत्रों ने बताया कि अंतिम रिपोर्ट मिलने तक गोलीबारी चल रही थी। पाकिस्तानी सेना की ओर से गोलीबारी तेज होने पर दोनों सेक्टरों की सीमा पर रहने वाले निवासियों के बीच भय व्याप्त हो गया है। आपके सामने ही हमारे ये मकान हैं, सारे डैमेज हो गए हैं, कितने मकानों को नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि ये फायरिंग होनी थी, कोई पता नहीं। पाकिस्तान ने सुबह सुबह 9:10 पर फायरिंग शुरू की है और 11:30 तक ये फायरिंग चलती रही है, लेकिन पाकिस्तान ने आज पूरे रिहायशी इलाकों को टारगेट किया है और हमारे लोगों को निशाना बनाया है। हमारी भारतीय सेना ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है, तो हमारी सरकार से एक ही गुजारिश है, हमारे बंकरों का कुछ करे। हमारे सरकार ने बंकर जो दिए हैं बहुत कम है, हमें बंकर और देने चाहिए, और जो बंकर दिए हैं वो भी ठेकेदारों को कहना चाहिए जल्द से जल्द बनाए जाएं। जो है पाकिस्तान की ओर से जो है लगातार जो है वो सीज फायर वायलेशन जो है वो की जा रही है। उसी सिलसिले में हमारा जो जितना भी LOC का एरिया है, कलाल, बाबा खोड़ी, डींग, ये सारा जो है अफेक्टेड हुआ है। तो जो डींग विलेज है वो खासकर वहाँ पे लोगों के घरों में आके जो है वो गोले गिरे हैं, तो उसी को चलते मैं मौके पे यहाँ पे आया हूँ और मेरे साथ हमारा जो पुलिस का BP बंकर है वो भी साथ में है। तो अभी तक जो जहाँ का है कि कोई भी किसी किस्म का जानी माली जो नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन लोगों के घरों को जो है वो काफ़ी नुकसान पहुँचा। तो पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से नापाक हरकत जम्मू कश्मीर में की गई है, गोलाबारी पाकिस्तान की तरफ से की गई है, हालांकि एक मकान को भी इस दौरान नुकसान पहुंचा है।